हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रॉपिकल फिश क्रेस्ट चैनल। टुडे वी विल अगेन कवर द टॉपिक ऑफ कोई टैंक मेट्स। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ओनली दोस टैंक मेट्स हु आर कजिन ऑफ अ नियर बाय फैमिली ऑफ फिश दैट इज गोल्ड फिश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रॉपिकल फिश क्रेस्ट चैनल। दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है हमारे ट्रॉपिकल फिश क्रेस्ट चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। कोई फिश के सबसे बेस्ट और खास टैंक मेट्स, हमको पता है कोई फिश और गोल्ड फिश सेम फैमिली से है, सो वी कैन से दैट गोल्ड फिश एंड कोई आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली दैट इज साइप्रिनिडे। सो देयर आर वेरी सक्सेसफुल फ्रेंडशिप चांसेस इन बोथ फिश, क्योंकि सेम फैमिली से होना, सेम टेम्परमेंट का होना, और बोथ फिश आर कोल्ड वाटर फिश। सिंपली एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट फ्रेंडशिप एंड टैंक मेट इज आउटडोर कोई पॉन्ड। बोथ फिशेज लाइव हैप्पी, आपने देखा होगा कोई पॉन्ड में, आउटडोर पॉन्ड में कोई हम जब रखते हैं तो उसके साथ गोल्डफिश भी रहती हैं और बहुत पीसफुल रहती हैं, वहाँ पे कोई भी फाइटिंग नहीं होती है। बोथ फिशेस लाइव हैप्पी बट इन कैप्टिविटी, कीपिंग कोई फिश एंड गोल्डफिश टुगेदर इन द सेम टैंक, देयर इज अ चांस फॉर अ कोई फिश टू शो एग्रेशन टुवर्ड गोल्डफिश बिकॉज ऑफ लेस स्पेस और साइज डिफरेंस। देयर इज नो कंपेरिजन ऑफ पॉन्ड एनवायरमेंट एंड टैंक एनवायरमेंट। पॉन्ड इज नेचुरल आउटडोर एनवायरमेंट प्लस स्पेस इन पॉन्ड टू मच फॉर फ्री स्विमिंग। फिशेज आर नॉट फील स्ट्रेस एंड सम नेचुरल एनवायरमेंट प्रेजेंट इन पॉन्ड फॉर फिशेज हेल्दी सर्वाइव। बट इन कैप्टिविटी, जब हम एक्वेरियम में फिश को रखते हैं तो दे आर इन कैप्टिविटी एंड नॉट इनफ स्पेस फॉर फ्री स्विमिंग। फिशेज को कैप्टिविटी में पता रहता है कि हम कैप्टिविटी में हैं, और उनको भी ग्लास के बाहर का और अंदर का एनवायरमेंट पता रहता है, हम उनके सामने आते जाते हैं, चलते हैं, तो फिशेस थोड़ा सा डरती हैं। और पॉन्ड में ऐसा नहीं होता, पॉन्ड में उनके पास फुल ऑफ स्पेस होता है इनफ, और स्पेस में कुछ जो हेल्दी बैक्टीरियल रहते हैं उसकी भी ग्रोथ अच्छी रहती है पॉन्ड में, तो वो फिशेज जो होती हैं वो फील करती हैं कि वो अपने नेचुरल एनवायरमेंट में हैं। हाउ टू अवॉइड चेसिंग इन गोल्डफिश एंड कोई, पिकअप बेस्ट टैंक मेट्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, टैंक मेट्स लाइक सेम टेम्परमेंट, बिहेवियर, टेम्परेचर, वाटर कंडीशन एंड फूड रिक्वायरमेंट। नॉट ऑल गोल्डफिश इज गुड फॉर कोई टैंक मेट्स, स्पेशली फैंसी वेराइटी ऑफ गोल्ड। वाई आर ऑल वेराइटी ऑफ गोल्ड इज नॉट कॉम्पिटेबल फॉर कोई स्पेशली फैंसी, इसके कुछ रीजन्स है। फर्स्ट रीज़न है, जो फैंसी गोल्डफिश होती है उसकी स्पाइन जो होती है वो कर्व्ड होती है। आप देखोगे वो कर्व्ड स्पाइन की होती है, और कर्व्ड स्पाइन होने की वजह से फैंसी गोल्डफिश की स्पीड बहुत स्लो होती है। हमें कोई फिश के साथ ऐसी फिशेस नहीं रखना है जो बहुत ज़्यादा स्लो स्विमिंग करे। और इसका जो दूसरा रीज़न है, फैंसी गोल्डफिश हमें कोई फिश के साथ इसलिए भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये डबल टेल होती है, इसकी स्पीड और स्लो हो जाती है। तीसरा रीज़न है राउंडेड एब्डोमेन। जो फैंसी वैरायटी की गोल्डफिश होती है वो बहुत हाइब्रिड फिश होती है, उनके एब्डोमेन राउंडेड होते हैं, यह भी फिश को, फैंसी वैरायटी की फिश को बहुत स्लो करते हैं। तो हमको ऐसी कौन सी फिशेस रखना है उनके साथ पीसफुल रहे, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो फर्स्ट फिश है वो है कॉमन गोल्डफिश, दूसरी कॉमेट फिश, और थर्ड जो है वो है शुमिनकिन गोल्डफिश। कॉमन गोल्डफिश बहुत एक्सेलेंट टैंक मेट्स है कोई फिश के लिए, इसका भी साइज़ लगभग जो दूसरी वैरायटी की गोल्ड होती है उनसे बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, और ये स्लीक बॉडी शेप में होती हैं, और ये फास्ट स्विमर्स भी होती हैं। इसकी भी वाटर कंडीशन और पैरामीटर्स जो होते हैं सेम होते हैं कोई फिश की तरह, तो ये भी कोई फिश के साथ पीसफुली रहेगी टैंक में, आप इसको ईजिली रख सकते हो। और जो दूसरी गोल्डफिश है वो है कॉमेट गोल्डफिश। कॉमेट गोल्डफिश जो होती है वो बिल्कुल स्लाइटली स्मॉलर होती है कॉमन गोल्डफिश है, और इसका भी वही वाटर पैरामीटर होता है सेम जो कोई को चाहिए, और वही गोल्डफिश को चाहिए, आप इसको भी रख सकते हो कोई फिश के साथ। और जो थर्ड है वो है शुभनकिन। शुभनकिन भी मल्टी कलर गोल्डफिश है, पर इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर शुभनकिन आप रख रहे हो तो शुभनकिन की थोड़ी सी स्पीड स्लो रहती है कॉमेट और कॉमन गोल्डफिश से, तो ये आपको सेम साइज़ में ही रखना है। वैसे तो आपको सारी फिश, अगर आपको जो भी आप टैंक मेट चूज़ करते हो कोई के, तो आपको सेम साइज़ में ही रखना है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगर आप पीसफुल रखना चाहते हो टैंक मेट्स कोई फिश के साथ। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो हमारा कोई फिश के टैंक मेट्स के ऊपर, और ये सिर्फ गोल्डफिश की वैरायटी के टैंक मेट्स ही हैं, बाकी मैंने अदर वीडियो भी बनाए हैं कोई फिश की केयर के ऊपर और टैंक मेट्स के ऊपर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।